यहाँ पे हमारा मीठा सिंह संवाद के मजे ले दवा। ये नींद आ रही है भयंकर उसे। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, पहला बार नमस्कार, छोटो ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हो आप सब, और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल मीना फैमिली व्लॉग्स के में। दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 11:30 से, और कृषा तो गई है दोस्तों स्कूल, और हमारा मीठा सिंह को मैं दिखाती हूँ। दोस्तों मीठा सिंह हमारा क्या कर रहा है, इसके आज से बहुत शैतानी स्टार्ट हो गई है। हापा हापा, ये देखिए दोस्तों हमारा मीठा सिंह किचन में जाता है, बर्तनों को वो हटा के थाली लेके आता है। ये देखिए, ये इसकी शैतानी ऐसी होने लग गई है आजकल। मीठा तुम कौन आए बाबू, कौन आए? ये थाली लेके आया है, खाना खाना है इसको लग रहा है अभी। बेटा खाना खाना है। ओ मुतु खाना खाओगे इसमें आप? ये थाली खाऊंगा मम्मा मैं, तुम खाना नहीं दोगे मैं थाली खाऊंगा। दोस्तों हम लोग आए थे थोड़ा सा बाहर, और मैं दिखाती हूँ आसपास का मौसम कैसा हो रहा है। ये देखिए अच्छा हो रहा है मौसम, धूप खिली है अच्छी वाली, बादल भी लगे हैं। ये दोस्तों ये अच्छा बच्चा है, मुझे काम नहीं करने दे रहा है बिल्कुल भी। हाँ बोलो बोलो बोलो, अब बोल रहा है मुझे गोदी में पकड़ के रखो बस। अब पापा तो ऑफिस का काम कर रहे हैं, और मानी अभी सोई, उसको उठाती हूँ मैं, लेट से सोई थी अभी 6:30 हो गए, उठी नहीं रही है, कितना उठा रही हूँ। ये बंदा ये जो है ये छोटा सा ये गंदा गंदा बच्चा, ये मुझे काम नहीं करने दे रहा है, बोला मुझे गोदी में ही पकड़। कौन बनाएगा खाना है, वॉकर में रहोगे अपने हैं? सुनता भी नहीं है बिल्कुल, इग्नोर मार रहा है मम्मा को। ये देखो ऐसे इग्नोर मारता है ये हमारा गंदू बच्चा। ये देखिए दोस्तों वॉकर में बैठने में कैसे कर रही है, रो रही है। मम्मा गोदी में पकड़ के रखे, काम ना करे हैं बाबू, मम्मा को काम भी करना है बेटा। ये जी नहीं कहते, आज मैं टीवी लाऊंगी, गाने सुनोगे आप हैं? गाने नहीं सुनना हैं? गाने नहीं सुनना बेटा ने? ये दोस्तों मैं फटाफट से कर लेती हूँ काम, मीठा सिंह को कुछ बिजी रखना पड़ेगा तभी करने देगा ये मीठा सिंह हमें काम। ये है देखिए दोस्तों आइसक्रीम की चटोरी, ये क्या चाट रही है आइसक्रीम को, मतलब इतनी पसंद है ना मानी को आइसक्रीम, बहुत अच्छी लगती है ना आपको? हाँ जी, येलो वाला बनाना वाला आइसक्रीम अच्छा लगता है। बनाना वाली आइसक्रीम है ये, बटर स्कॉच है बाबू, बनाना नहीं है। ये देखिए कैसे चटोरियों की तरह चाट चाट के खा रही है। पढ़ाई कौन करेगा, थोड़ी पढ़ाई पहले कर ली, अब थोड़ी आइसक्रीम चाहिए, अब फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। और हमारा मीठा सिंह का एक्सरसाइज होता हुआ, मीठ मानी आपने पेंसिल क्यों दी उसको, उसको मत दिया करो अपनी पेंसिल, ये खुद भी ले लेती है मीठा सिंह हमारा। ये मीठा मीठा दीदी के पीछे लगा रहेगा बस। ये यहाँ पे दोस्तों कृषा की खाना खाने के बाद भी कृषा की पढ़ाई चल रही है। ईद एंड दिस इज हार्वेस्ट Which festival? क्योंकि कृषा को रात में नींद तो आती नहीं है। बैसाखी है मानी, सोने का टाइम हो रहा है, आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ाई कर तो ली पहले। Now मानी सी और पढ़ना है, है? मानी मानी तू खेड़ दे। तो हमारा डिनर हो गया है, और आज मैंने मतलब बहुत टाइम बाद, पहली बार तो नहीं बोलूंगी, बहुत टाइम बाद मैंने आज अंडा बनाया, अंडे की भुजिया, और रावा जी के रिएक्शन देखते हैं, बच्चे का मेरे बच्चे कृषा का रिएक्शन देखते हैं। कृषा की तो पढ़ाई पता नहीं कब तक चलती रहेगी, कृषा ने बहुत पहले पढ़ लिया था, रात हो रही है अभी और कृषा की पढ़ाई चल रही है, सोने का टाइम है, कृषा की पढ़ाई चल रही है। लेकिन रावा जी से पूछते हैं कि उनको मेरे हाथ से बना हुआ एग कैसा लगा बताइए। हाथ का बना हुआ एग मुझे अपने हाथों से ज्यादा अच्छा लगता है, और भाई जो मैं एग बनाता हूँ मुझे बड़ा फनी लगता है, जो तुमने बनाया था लगा कि यार मैंने ही बनाया, बना के रखा हुआ है ऐसा लग रहा था। क्यों अच्छा हो रहा था? अच्छा हो रहा था तो मतलब पहले ये पहले तो बेइज्जती मार दी, कई बार क्या होता है,
अपने हाथ से खा खा के बोर हो जाते हैं, तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो मैंने आज इसलिए बनाया क्योंकि रावत जी थे बहुत बिजी ऑफिस वर्क में, तो मुझे बनाना पड़ा। आज मेरे बहुत ज्यादा काम हो गया दोस्तों, मैं ना अच्छे से ब्लॉग कंटिन्यू भी नहीं कर पाई क्योंकि मतलब बहुत बिजी हो गया। रावत जी तो हो गए थे बहुत बिजी, और भाई साहब मेरी रेल बन गई, वहाँ से मिष्टी ने परेशान, यहाँ से मानी को पढ़ाना, फिर वहाँ से मिष्टी को खाना खिलाना, फिर तब तक उसने पॉटी कर दी, वो करना। अरे भाई बहुत काम हो गया था आज तो। आज फिर मैंने कहा चलो रावत जी बिजी है तो आज मैं ही अंडे बना देती हूँ। तो चलो रावत जी को पहली बार ये काम किया मैंने, पहली बार नहीं मतलब करती रहती हूँ। क्योंकि तुम ज्यादा अच्छा बनाते हो, मेरे से ज्यादा अच्छा, और चीज नहीं कहूँगी मैं, और चीज तुम इतनी अच्छी नहीं बनाते हो, बस अंडा अच्छा बनाते हो। अंडे में भी क्या है, तेल बहुत ज्यादा डाल देते हैं। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे राव जी, कुछ बोल रहे हैं। आता है भाई सच्ची बनाना, मुझे भटकी दाल बनाना सब आता है, बनाना सब आता है, लेकिन सब आता है लेकिन उसमें नमक और तेल ज्यादा पड़ जाता, तो मैं कहता हूँ तुम रहने दो, वो कभी कभी पड़ता है। तुम सिर्फ एक अंडा अच्छा बनाते हो बस। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, चावल बना लेता हूँ, भात बना लेता हूँ, भात और चावल ही तो है, दाल सारी बना लेता हूँ, आलू थेचू, मूली थेचू, भट साग, बड़ी साग, सोयाबीन की बड़ी, चिकन, मटन सब बना लेता हूँ भाई। एक रोटी बेलनी कोलनी आती है, गोले बनाने आते हैं, और ऐसे ऐसे करना नहीं आता, गोलनी बनती, लेकिन आप थोड़ी बनने लग गई है क्योंकि अब तो बनाना पड़ेगा। लेकिन खाना टेस्टी कौन बनाता है, तुम ही? खाना टेस्टी तो मैं बनाता हूँ यार, जबरदस्ती खाना टेस्टी में बनाता हूँ, बढ़िया। अच्छा, तेल और मसाले और नमक इतना डाल देते हैं, मैं तो सर भरना जाता है मेरा, तो मैं तो मना कर देती हूँ। और मिर्च भी मानी, मानी से पूछेंगे, मानी मानी बताओ, मानी कौन अच्छा खाना बनाता है? मम्मा। ओए कौन बनाता है अच्छा खाना? नहीं, मम्मा पापा नहीं बनाता, आइसक्रीम खिलाऊंगा पता। देखा मेरे बच्चे मेरी साइड है, आइसक्रीम खिलाऊंगा पता कौन बनाता है, क्योंकि आप स्लाइडिंग ले जाते हो, पापा मम्मा स्लाइडिंग ले जाते हो सुबह में। मानी का तो एक ही रेट रहता है, पापा स्लाइड नहीं जाता, मम्मी स्लाइड ले जाता है, स्लाइड ले जाऊंगा तभी मेरा, तभी ये बोलेगी पापा अच्छा बनाते हैं। और पापा का भात का बना हुआ अंडा दो दो बार मांगती है, और अब ऐसे बोल रही है पापा के लिए, हैं पापा जब अंडा बनाते हो दो दो टाइम मांगते हो, टाइम मांगती है मानी मेरे। अंडे तो दोस्तों आप करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि हो गया सोने का टाइम। मानी तो फिर पता ही है, तो रात भर इसको जगा लो तो उठी रहेगी, सुलाती हूँ क्योंकि कल इसका कल स्कूल है, सैटरडे वैसे छुट्टी रहती है लेकिन कल इसको स्कूल जाना है क्योंकि कृषा के चल रहे एग्जाम, तो तैयारी करनी है इसको। तो दोस्तों करते हैं आज ब्लॉग को यहीं पे एंड, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ऊपर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जब तक के लिए स्वस्थ रहे व्यस्त रहे मस्त रहे। और सुबह के योगा करें, प्राणायाम करें, खूब पानी पिए, स्वस्थ रहो तभी सब होगा। वो तो है भी, सबसे पहले शरीर है तब सब चीज, हेल्थ इज वेल्थ। तो दोस्तों रावत जी ने तो बोल दिया योगा करें, मेरे को तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन मेरा योगा तो बच्चों के साथ घर के कामों में ही हो जाता है। जब कभी फ्री होंगी आगे तब जा, तब थोड़ा सा रावत जी कुछ जो कहते हैं वो कान में डालूंगी, तब करूंगी। यार टाइम कब रहता है, इतना सारा घर के काम हो जाते हैं, मेरे को टाइम है। मैं अगर तुम्हारी तरह अपने आप को एक डेढ़ घंटे में टाइम देने लगी तो सब टाइम लेट हो जाएगा। 6 बजे उठ जाओ, 6 से 7 योगा, 6 बजे ही उठती हूँ भाई, मान के स्कूल के टाइम पे 6 बजे ही उठती हूँ, जब छुट्टी होगी तब जाके थोड़ा सा कभी आधा घंटा लेट उठ गई 6:30-7 बजे। 6 बजे नहीं उठते, कितने उठते हो? छह बजे छुट्टी के दिन उठती हूँ मैं।
छुट्टी के दिन पर कितने बजे उठते हो? आठ बजे छुट्टी के दिन 8 बजे क्यों? तभी मेरे घर का काम हो रहा ना, अरे मेरे घर के काम फिर मैं बात दोबारा यही बोलते हैं राव जी, तो मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं तो गिना भी दूंगा, मैं भी गिना देती हूँ, काउंटिंग करवा दूंगा। कौन सबसे ज्यादा काम करता है? चलो कौन करता है? मानी मानी बताई कौन सबसे ज्यादा, मानी बता कौन करता है काम सबसे ज्यादा घर में? मम्मा बस, बच्चे सच्चे, बच्चे सच्चे, बच्चे सच्चे। बेटा स्लाइड ले जाऊं कल? अब इसको मैं इसको अपने पास में लाने के लिए इसको कल सैटरडे संडे पूरे दिन स्लाइड में घुमाऊंगा और आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। तब भी बच्चे देख रहे हैं कौन सबसे ज्यादा काम करता है, फिर तब भी बच्चे देख रहे हैं, बच्चे मन के सच्चे देखे दोस्तों, बच्चे मन के सच्चे। रावत जी का झूठ पकड़ा गया, मानी ने बिल्कुल सच्चा सच्चा बता दिया है, हम नहीं बोल सकते रावत जी मुझे कुछ भी। दोस्तों चलिए तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट।